हे गाइस, कैसे हो सारे? यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी सहायता से आप सिर्फ वन क्लिक में अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ से जो भी आप सब पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव कीजिएगा वो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में सेव होगा। सो आप सब वीडियो को कंटिन्यू जरूर से वॉच कीजिएगा। सो उससे पहले गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करनी है एंड यहाँ पे गाइस जस्ट आपको फोटो डायरेक्टर सर्च करनी है एंड ये वाला एप्लीकेशन गाइस आपके सामने आ जाएगा। सो आप सब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो उसके बाद गाइस जस्ट आपको इसे ओपन करनी है एंड ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो यहाँ से गाइस आपको कॉलेज का, कैमरा का, लाइव का, एडिट का कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से एडिट वाले आइकॉन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइज आपको जिस भी पिक्चर को, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव करनी है वो वाले पिक्चर को गाइज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सो आपका जो भी गैलरी का पिक्चर होगा सभी यहाँ से शो होकर आ जाएगा। सो जस्ट आपको यहाँ से अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेनी है एंड सेलेक्ट करने के गाइज आपके सामने में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो जस्ट गाइज आपको यहाँ से नीचे में स्क्रॉल करनी है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको नीचे में यहाँ से कटआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आपको कटआउट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करनी है एंड कुछ इस टाइप का आपके सामने में लोडिंग लेगा। एंड गाइज लोडिंग लेने के बाद अभी आप सब देख सकते हो हमारे यहाँ से बैकग्राउंड सिर्फ 1 सेकेंड में यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद गाइज जो भी आप सब यहाँ से बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, आप सबको यहाँ से कलर का जो भी आप सब बैकग्राउंड वगैरह रखना चाहते हैं आप सब यहां से रख सकते हैं। बाकी गाइज आपको यहां से ऐड फोटो का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके एंड जो भी गाइज यहां से आप सब बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहां से रख सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको ये वाला जैसे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ एंड देख सकते हो ये वाला गाइज बैकग्राउंड आ चुका है। फिलहाल मैं इसको बैकग्राउंड को नहीं ऐड करूँगा एंड जैसे ही गाइज आप सब यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह को इरेज कर लेते हैं, मतलब ये यहाँ तो 1 सेकेंड में ही इरेज हो जाता है। अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाता है तो उसको गाइज रिमूव करने के लिए ऊपर में आपको इरेजर का बटन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करनी है। एंड गाइज अगर आपका जो है कहीं पर छूट गया है तो आप सब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से पेंट वगैरह करके यहाँ से उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। एंड कोई अगर एक्स्ट्रा पार्ट हो गया तो उसको यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड कुछ इस टाइप से गाइज जूम करके आप सब उसको यहाँ से अपने अनुसार जो है इरेज कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से आप सब कर लीजिएगा एंड इतना करने के बाद आपको गाइज ऊपर से डन करनी है एंड डन करने के बाद अभी गाइज देख सकते हो, मतलब ज़्यादातर यहाँ से होता है सिर्फ वन क्लिक में आपका जो भी मतलब मॉडल रहेगा या जो भी पिक्चर रहेगा वो यहाँ से ऑटोमेटिक जो है इरेज हो जाता है। अगर बाय चांस अगर कहीं आपका इधर उधर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो आप सब यहाँ से इरेजर वाले ब्रश का यूज़ कर सकते हैं एंड जैसे ही आप सब यहाँ से इरेज वगैरह कर लेते हैं इसको आपको गैलरी में सेव करनी है। सो गाइज सेव करने के लिए ऊपर में आपको डन का आइकॉन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने में लोडिंग लेगा एंड उसके बाद गाइज आपका पिक्चर यहाँ से ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। सो अभी गाइज देख सकते हो हमारा पिक्चर यहाँ से गैलरी में सेव हो चुका है। सो कुछ इस टाइप से गाइज आप सभी अपने पिक्चर को सिर्फ वन क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।